अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरा से। अमिताभ, बिहार की मैं खास तौर पर बात करूं तो बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आरा भी एक है। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, सुबह से ही आरा में भी, कल भी यहाँ बवाल हुआ था और आज भी यहाँ पर सुबह से ही आगजनी तोड़फोड़ यहाँ पे शुरू हो गई थी। और जो छात्र हैं, जो युवा जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका निशाना केंद्र की संपत्ति यानी कि रेलवे की संपत्ति ज्यादातर थी, वहीं पर पुलिस से इनके साथ भिड़ंत हुई थी। और इसके चलते जो आरा दिल्ली का जो मेन रेल मार्ग है वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि कुछ देर पहले उसे चालू कराने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे आरा की अगर हम पहले बात करें तो बक्सर में भी अभी हंगामा बढ़ चुका है और वहां पर प्रशासन अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है स्थिति को। तो वहां के चलते ट्रेनें जो हैं, करीब 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। जैसा कि उत्तर पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से भी कुछ देर पहले विज्ञप्ति जारी की गई है और बताया गया है कि 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हंगामे को देखते हुए ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो छात्र आंदोलन है वो फिर से, जिस तरह से जनवरी महीने में यहाँ पे ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर हंगामा हुआ था, ठीक उसी तरीके से यह आंदोलन धीरे धीरे बिहार के अन्य जिलों में अपना पैर पसार रहा है। और जो छात्र हैं वो बिना किसी, सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी बैनर के तले वो आंदोलन हो रहा है। स्वतः स्फूर्त जो छात्रों का आंदोलन है, वो छात्र हैं जो सेना की तैयारी करते हैं, वो सड़कों पे उतरे हैं अग्निपथ के विरोध में और जिस तरीके से आगजनी कर रहे हैं। छपड़ा में ट्रेन में आग लगा दी गई है, कैमूर में आग लगा दी गई है, जहानाबाद में तोड़फोड़ की गई है और अभी बक्सर में तोड़फोड़ की गई है। तो निश्चित रूप से यह आंदोलन अब बढ़ता दिख रहा है और ऐसे समय में सरकार को भी चाहिए कि स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जिस तरह से ग्रुप डी के समय में सरकार आगे आई थी, प्रतिनिधि बात करने के लिए छात्रों से आए थे और उसके बाद इस हंगामे को शांत किया गया था, उसी तरीके से इस हंगामे को शांत करने की जरूरत है। नहीं तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त बिहार के अन्य जिलों में भी फैलता जा रहा है और निश्चित तौर पर यह के अंदर दूसरे राज्य में फैलेगा। जनजीवन बिल्कुल तरह से, ट्रेनों की आवाजाही ये बिल्कुल प्रभावित हो चुकी है, क्योंकि सब तरफ की हम बात करें, पटना हावड़ा जो रूट है वो प्रभावित हो गई है, पटना नई दिल्ली रूट है वो प्रभावित हो गई है और साथ ही जो सीमांचल से लगी ट्रेन है, जो गुवाहाटी से जो ट्रेनें आती हैं जो दिल्ली को जाती हैं, वो भी बुरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि पिछले 10 घंटों से परिचालन बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और रेलवे जहां तहां जो ट्रेन है वो रुकी पड़ी हुई है, सेंटिंग में रुकी पड़ी हुई है, जिसमें वहां जो यात्री हैं उनकी भी परेशानी अब समझने वाली बात हो सकती है कि इतनी भरी गर्मी में ट्रेन जहां की तहां खड़ी है, वहां पे कैटरिंग का सामान खत्म हो गया, तो ये परेशानी निश्चित तौर पर दिख रही है। हालांकि हम आरा की अगर बात करें तो आरा में प्रशासन ने बहुत सख्ती से कार्रवाई करते हुए जितने भी प्रदर्शनकारी थे उन्हें वहां से हटाया, जो जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और फिलहाल यहाँ प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने में बिल्कुल सफल हुआ है। बगल के जो जिले हैं, भभुआ में भी हंगामा चल रहा था, वहां भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया है स्थिति को नियंत्रण करने के लिए और साथ ही बक्सर में भी तोड़फोड़ की खबरें आ रही थी और वहां कल से ही हंगामा जारी है। और ये यूपी से अगर कोई भी दिल्ली से जो ट्रेनें आती हैं, बक्सर होते ही वो पटना की ओर आती हैं, तो वहां पर करीब कई ट्रेनें जो हैं जहां तहां फंसी पड़ी हुई हैं। हालांकि राजधानी जैसे कई ट्रेनें जो अहले सुबह में आती थी वो वहां से पास कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद 10 बजे से वहां जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद कई ट्रेनें वहां रुकी पड़ी हुई हैं और जिसके चलते ट्रेनों पर के परिचालन पर खास तौर पर असर दिख रहा है। यहां पे बिल्कुल खास तौर पर असर दिख रहा है और ट्रेन के रूट्स पर इसका खास तौर पर असर दिख रहा है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेन की आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है, 10 घंटे से आवाजाही प्रभावित है, इसके लिए कुछ करना होगा क्योंकि आम जनता को इससे इससे परेशान होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आम जनता की परेशानी जो है वह युवाओं भी देख रहे हैं और उन्हें यह भी महसूस हो रहा है कि आम जनता जो है वह परेशान हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि उनके साथ जो सरकार है वह छलावा किया है, वह एक तरीके से मजाक, उनके साथ भद्दा मजाक किया गया है। और छपरा बिहार की ये तस्वीर जहां पर आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन कितना उग्र हो गया है, ट्रेन में आगजनी। और सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सौरभ, आप बताइए क्योंकि लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं ट्रेनों पर तोड़फोड़। जी बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा था कि जो युवा है, जो बेरोजगार है, वह नहीं चाहते हैं कि आम लोगों को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, लेकिन उनका यह कहना है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। वह कई सालों से मेहनत कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे और वह चाहते थे कि सरकार के तरफ से उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले जिनसे उनका जो लाइफ है वह पूरी तरीके से सेटल हो जाए, लेकिन इतने सालों के बाद सरकार जो नौकरी लेके आई है, जो नई योजना लेके आई है, जो नई स्कीम लेके आई है अग्निपथ, वह
छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, बेरोजगारों के लिए एक भद्दा मजाक है, एक छलावा है। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 4 साल वह नौकरी करेंगे, उसके बाद वह फिर से सड़क पर आ जाएंगे, यानी उनकी लाइफ जहां है वहीं रहेगी। सादत अनवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गया से। गया में क्या कुछ इस समय हालात, ये भी हम जानेंगे, क्योंकि पूरे बिहार की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो उग्र होता जा रहा है आंदोलन, बताइए। गया की बात करें तो सेना बहाली मामले को लेकर के कल से ही आपको गया में तोड़फोड़ और छात्रों का आक्रोश शुरू हो गया था। आपको कल संध्या में गया के मानपुर इलाके में आपको छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था, आगजनी की गई थी, जिसके बाद FIR करके 4-5 लोगों को जेल भी भेजा गया। वहीं आज सुबह से आप छात्रों के द्वारा गया के गांधी मैदान में जमा हुए और अलग अलग इलाकों में इन लोगों के द्वारा हंगामा किया गया। गया के सिकरिया मोड़ के पास पुलिस के द्वारा लाठी बल का भी प्रयोग किया, जिसके बाद फिर जो है से छात्र अलग अलग जगह पर दिशा पे चले गए। वहीं अगर बात करें तो गया के बेलागंज में जहां गया पटना रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया, आगजनी कर दिया गया, रेलवे ट्रैक के ऊपर पूरी तरीके से रेल यातायात प्रभावित है। वही तीसरी घटना जो है से आपको गया के बाराचट्टी इलाके की है, जहां बाराचट्टी में भी छात्राओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया है। छात्रों का साफ साफ कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसने नई सेना बहाली को बदली किया जाए। तो युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अब इसको बदल दिया जाए, लगातार इन युवाओं की यही मांग है, लेकिन कार्रवाई भी लगातार जारी है और अब कार्रवाई की जा रही है, कुछ को जेल भी भेजा गया है। लेकिन खास तौर पर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में लगातार प्रदर्शन जारी है, बल्कि पूरे देश में ही इसका प्रदर्शन जारी है।